इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में चला गया है, बैक टू बैक तीसरे फॉर्मेट में इंडिया का ये फाइनल है। 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप दोनों के फाइनल में इंडिया गया था, और दोनों ही फाइनल वो ऑस्ट्रेलिया से हारा था। इस बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया फिर से फाइनल में चला गया है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की जगह साउथ अफ्रीका है। अब बात करें कल के सेमीफाइनल की, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने कुछ बड़ी बड़ी गलतियां की, स्पेशली टॉस पे। टॉस जीत के इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनको डर था कि डकवर्थ लुईस गेम में आ सकता है, प्लस पिच क्योंकि अंडर कवर्स थी तो उनको लगा कि जो मॉइस्चर है उससे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं ये डिसीजन उनके पिछले एडिलेड में जो सेमीफाइनल्स में 2022 में उन्होंने इंडिया को हराया था उससे भी इन्फ्लुएंस था। मगर जिस तरीके का पिच का नेचर था, पिच देख के ही ड्राई लग रही थी, उसमें क्रैक्स थे, तो समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे गेम बढ़ेगी उसमें स्पिनर्स यूजफुल होंगे। ये सब जानते हुए भी कि इंडियन टीम में तीन स्पिनर्स हैं, बटलर ने रिस्क लिया और ये रिस्क उनको महंगा पड़ा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती की जॉस बटलर ने, जब उनको दिख गया था कि पिच लो है, आदिल रशीद की बॉल लो रह रही थी, लियम लिविंगस्टन को बॉलिंग पे लाया गया 8वें ओवर के बाद और उनकी बॉल पे भी रन बनाना मुश्किल हो रहा था, तो मोइन अली को किस लिए खिलाया गया था? मोइन अली का रोल मुझे बिल्कुल वही दिखा जो पाकिस्तान टीम में शादाब खान का होता है, ना तो बैट्समैन ना तो बॉलर। तो मोइन अली से ओवर्स करवाने चाहिए थे, ये क्यों नहीं करवाए जॉस बटलर ने वो बेटर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मोइन अली बॉलिंग कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, और मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 ओवर मोइन अली से करवाने चाहिए थे। इतनी सारी मिस्टेक्स की वजह से इंडिया ने एक बड़ा स्कोर बना लिया। अगर आप सिर्फ स्पिनर्स की बॉलिंग फिगर्स देखोगे उस 171 के टारगेट में, तो आदिल रशीद ने 4 ओवर में 25 रन दिए और रोहित शर्मा का विकेट लिया, और लियम लिविंगस्टन ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, जबकि लियम लिविंगस्टन एक पार्ट टाइम बॉलर है, 8 ओवर्स में सिर्फ 49 रन बने और बचे 12 ओवर में बने 122, यानी फास्ट बॉलर्स को 10 रन पर ओवर से मारा गया है, जबकि स्पिनर्स 6 रन पर ओवर से रन जीतते रहे थे। तो इसका क्लियर मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पिच रीड करने में जॉस बटलर से गलती हो गई। एनीवेज बात करते हैं मैच की। विराट कोहली मेरे ख्याल से अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि उनका रोल क्या है, फिर से वही गलती वो रिपीट किए जा रहे हैं, विच इज मतलब टू ही इज टू बिग अ प्लेयर टू रिपीट अ मिस्टेक इन एवरी गेम। वो जानते हुए भी कि दूसरे एंड से रोहित शर्मा इतनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, इतने रन बना रहे हैं, विराट कोहली क्यों रोहित शर्मा जैसी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चार्ज करके छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एक छक्का जब उन्होंने मार दिया था टॉपली को, तो फिर वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे और अगले ओवर में एक रिस्क ले सकते थे, लेकिन वो हर बॉल पे अगर एक ही जैसी शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो दूसरे नहीं तो तीसरे बॉल पे वो आउट होंगे ही, और ये पूरे वर्ल्ड कप में चला है। सिर्फ 2 इनिंग्स जिसमें उन्होंने 20 क्रॉस किया है, वो दोनों इनिंग्स में उन्होंने थोड़ा बहुत सेंसिबली बैटिंग की है, इतनी रिस्क नहीं लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फिर से इसी तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। ही इज वेरी लकी कि उनको एक आखिरी मौका मिल गया है वर्ल्ड कप फाइनल में बैटिंग करने का। MS धोनी ने भी 2011 वर्ल्ड कप में यही किया था, वो पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप चले थे और फाइनल की उनकी 91 इतनी मेमोरेबल हो गई कि लोगों को याद है। विराट कोहली शुड कंसिडर हिमसेल्फ लकी दैट इज अ पार्ट ऑफ सच अ टीम कि उनकी परफॉर्मेंस के बिना वो टीम जीती जा रही है। रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग, अनदर कैप्टन्स नॉक, एक ऐसी इनिंग्स, एक ऐसे पिच पे, पिछले इनिंग्स में उन्होंने जो 40 बॉल 90 बनाया था, उस वक्त वो पिच बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, ट्रू बाउंस, लेकिन यहाँ लो बाउंस, थोड़े स्ट्रगल्स, लेकिन रोहित शर्मा ने अडेप्ट किया। रोहित, दिस इज द बिग थिंग, ये उनका ये नहीं है कि भाई मैं तो बैट चलाता रहूंगा लगे ना लगे, यही कुछ बेवकूफियां थी जो शाहिद आफरीदी, शाकिब अल हसन जैसे बैट्समैन करते आए हैं, और इसी वजह से ये लेजेंड्स नहीं कहले जाते, क्योंकि ये अपनी नेचुरल गेम को अडेप्ट नहीं करते सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन रोहित शर्मा ने जबरदस्त बैटिंग की, और साथ में बैटिंग की सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव के बारे में इस वर्ल्ड कप से पहले कहा जाता था कि वो बड़े ओकेजन्स पे राइज नहीं कर पाते। सूर्य कुमार यादव की सारी परफॉर्मेंस या तो IPL में आती है या बायलैटरल्स में, क्योंकि 2021 और 22 दो T20 वर्ल्ड कप वो खेल चुके थे, 23 के ODI वर्ल्ड कप में भी उनको रखा गया था, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी उनसे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस अफगानिस्तान और अब सेमीफाइनल में वर्सेस इंग्लैंड, ये तीनों मैचेस में सूर्य कुमार यादव ने कंट्रीब्यूशन देके प्रूफ कर दिया कि अब वो बड़े ओकेजन्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऋषभ पंत की रोल की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। पहले के 3-4 मैचेस में वो जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, वो रिस्क ले रहे थे, ऑफकोर्स उनके कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन वही उनका काम था कि ही हैज टू टेक रिस्क एट नंबर 3।
लेकिन पिछले 2 मैचेस से ऐसा लग रहा है कि वो डिफेंसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, या तो राहुल द्रविड़ को उनसे बात करनी चाहिए या रोहित शर्मा को उनसे बात करनी चाहिए। मे भी शायद दूसरे एंड पे वो रोहित शर्मा को इतना अटैक करते देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी विकेट बचाऊं, और उसी चक्कर में वो अपने शेल में चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को इररेस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरे एंड पे क्या चल रहा है, अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत एट इज बेस्ट तभी होते हैं जब वो रिस्क ले रहे होते हैं, अग्रेसिव खेल रहे होते हैं। वो फॉरवर्ड डिफेंसिव वाली खेल ऋषभ पंत की नेचुरल गेम नहीं। शिवम दुबे भाई, अमेरिका घूमने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है। वो आ तो गए हैं लेकिन वो ऐसा लगता है कि सिर्फ टीम में अपनी पोजीशन के लिए खेलते हैं। हर वक्त वो नर्वस नजर आते हैं। टीम के 150 रन है तो भी वो डरे होते हैं, टीम के 100 रन है तभी भी उनके पसीने निकल रहे होते हैं। सामने स्पिनर हो वो तब भी परेशान रहते हैं। मेरे ख्याल से वो सिर्फ धोनी की कैप्टनसी में चेन्नई सुपर किंग्स को ही बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट आते ही उन खेलना भूल जाते हैं, वो टीम में अपनी जगह के लिए खेलने लगते हैं। ही स्टार्ट्स फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। और मेरे ख्याल से फाइनल में शिवम दुबे को खिलाना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के बैट्समैन कई बार इतने बॉल वेस्ट कर देते हैं कि सामने वाले बैट्समैन पे प्रेशर हो जाए। हालांकि इस मैच में वो पहली बॉल पे आउट हो गए तो उस तरीके का प्रेशर आया नहीं, लेकिन पिछले मैचेस में हम देख चुके हैं कि शिवम दुबे कैसे प्रेशर लेते हैं। हार्दिक पांड्या, वो जिस सिचुएशन पे आए और जिस तरीके की उन्होंने इनिंग्स खेली, बस परफेक्ट। उस वक्त यही जरूरत थी कि कोई एक तेज कैमियो खेले, क्योंकि इंडिया 150-160 के टोटल के करीब लग रहा था कि फिनिश करेगी। वो थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए था और हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक सिक्सेस मार के वो मोमेंटम दे दिया। अगेन आई रिपीट, हार्दिक पांड्या ने हर मैच में ईदर विद द बैट और विद द बॉल कंट्रीब्यूट किया है, और हार्दिक पांड्या ने प्रूव किया है कि ही इज द परफेक्ट ऑलराउंडर राइट नाउ इन द टीम, और हार्दिक पांड्या के बिना व्हाइट बॉल टीम नहीं बन सकती। अक्षर पटेल अगेन एक छोटा सा कैमियो खेला, जडेजा ने भी एक बढ़िया कैमियो खेला, बहुत दिन से वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा बहुत बड़ी इनिंग्स थी, लेकिन एंड में जो मोमेंटम चाहिए था, आर्चर को 2 बाउंड्रीज मारी उन्होंने और 170 तक ले गए इंडियन टीम के टोटल को। बॉलिंग में अगेन जसप्रीत बुमराह, मेरे ख्याल से अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट कर लेती है तो जसप्रीत बुमराह विल बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, हर मैच में विकेट्स। फिल सॉल्ट को बोल्ड किया अगेन। यहाँ पर एक प्रेशर था इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड ने ये स्टडी कर लिया था कि ये पिच लो है और न्यू बॉल से उन्हें अटैक करना जरूरी है। पहले 2-3 ओवर तक वो ठीक ठाक जा रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पिनर आए, जॉस बटलर ने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की उनको पहले बॉल पे, और वहीं वो कैच आउट हो गए। मेरे ख्याल से जॉस बटलर जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन को इस पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप मारने की जगह पे शायद थोड़ी ऑर्थोडॉक्स बैटिंग कर लेते, क्योंकि जॉस बटलर के स्ट्रेट सिक्सेस इतने अच्छे होते हैं कि मेरे ख्याल से उन्हें रिवर्स स्वीप मारने की जरूरत पहली बॉल पे नहीं थी। जॉनी बेयरस्टो स्पिन खेल ही नहीं पाते, वो कई बार इंडिया का टूर कर चुके हैं और टेस्ट मैचेस में मेरे ख्याल से वो 10 बॉल भी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो जॉनी बेयरस्टो का डिसमिस होना इस तरीके से वाज नॉट सरप्राइजिंग। और बाकी इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर उसी हालत में है, जैसे मैंने कहा था कि उनकी फॉर्म थोड़ी ऑन एंड ऑफ है, इंग्लैंड मिडिल ऑर्डर बहुत रिलायबल नहीं है। विल जैक्स को क्यों नहीं खिलाया गया मुझे समझ के बाहर है, क्योंकि विल जैक्स एक यूजफुल ऑफ स्पिनर और साथ में एक पावरफुल हिटर है, तो मेरे ख्याल से विल जैक्स को इस टीम में होना चाहिए था। मगर इवेंचुअली अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की स्पिन बॉलिंग वॉज टू मच फॉर द टीम। बट यहाँ पर इंग्लैंड को ये भी सोचना होगा कि बेन स्टोक्स ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अब आदिल रशीद एंड मोइन अली आर नॉट द सेम यंग पीपल। पिछले 7-8 साल से इन्हीं दो स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड व्हाइट बॉल में खेल रही है, एंड या तो अब प्लेयर्स को इनकी आदत हो चुकी है। फेमिलियर टीम स्पेशली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अब कई बार इनको खेल चुके हैं, प्लस अब इनमें वो रिप नहीं रहा जो कि शायद एक यंगर डेज में बॉलर्स के पास होता है। बोथ मोइन अली एंड आदिल रशीद आर मोर देन 36 ईयर्स ओल्ड। मेरे ख्याल से इंग्लैंड को जैसे नए स्पिनर्स हैं, जैसे रेहान अहमद है जिसे पाकिस्तान में ट्राई किया गया था जो कि यूजफुल लेग स्पिनर है, मेरे ख्याल से इंग्लैंड को अब उन्हें ग्रूम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हर वर्ल्ड कप में इन्हीं स्पिनर्स के साथ सोचेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स आएगी उनको। अब अपनी टीम में थोड़ी चेंजेस की जरूरत है, कुछ यंगस्टर्स को बैक करने की जरूरत है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तक गई, लेकिन देवर नेवर कन्विंसिंग। ये इनकी तीसरी हार थी इस वर्ल्ड कप में। दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, दे लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका,
नाउ दे लॉस्ट टू इंडिया। तो अगर इंग्लैंड ये फाइनल में जाती और अगर ट्रॉफी लिफ्ट भी करती तो इंग्लैंड वुड नॉट द बेस्ट टीम बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि इंग्लैंड टीम में बहुत सारे फ्लॉज थे। इनफैक्ट स्कॉटलैंड के खिलाफ जिस तरीके से बारिश हुई, 10 ओवर में उन्हें 109 रन चाहिए, तो वो रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने भी उन्हें कन्विंसिंग मार्जिन से हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो चोक कर गए, जीता हुआ मैच। तो इंग्लैंड टीम में अभी मेरे ख्याल से जो दो मेजर चीजें हैं वो है एक मिडिल ऑर्डर बैटिंग और दूसरी है एक स्पिन बॉलिंग। तो एक नए स्पिन बॉलर्स को उनको आइडेंटिफाई करना होगा और ग्रूम करना होगा आने वाले बायलैटरल सीरीज में। इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रोहित शर्मा ने प्रूफ कर दिया है। अगर रोहित शर्मा ये ट्रॉफी लिफ्ट कर देते हैं तो ही विल रिटायर एज अ लेजेंड ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि रोहित शर्मा ने ना सिर्फ कैप्टेंसी बढ़िया की है बल्कि उनकी बैटिंग भी आउटस्टैंडिंग रही है। मेरे ख्याल से ODI वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में यही फर्क रहा है कि ODI वर्ल्ड कप में वो सिर्फ कैमियोस खेलते थे इस भरोसे पर कि विराट कोहली हैं, नीचे KL राहुल हैं, वो संभाल लेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ना सिर्फ उनको तेज खेलना पड़ रहा है बल्कि इनिंग्स भी संभालनी पड़ रही है, और इनफैक्ट उनकी 92-55 इज अ मोर लाइक रन वाइज और वैसे भी ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू द 30s and 40s ही वॉज गेटिंग इन द ODI वर्ल्ड कप। फाइनल है फिर से, बिग अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर विराट कोहली जो अभी तक फ्लॉप चल रहे हैं। एक फाइनल की अच्छी इनिंग्स और लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 75 रन बनाए हैं सिर्फ 7 इनिंग में। विराट कोहली की एवरेज 10.7 की है इस वर्ल्ड कप में जो मिनिमम 5 इनिंग्स मिलाए हैं, तो थर्ड लोएस्ट है T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। एक ऐसा प्लेयर जिसके पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में एवरेजेस T20 वर्ल्ड कप में 102, 98, 89 रहे हैं, वो उसका एवरेज इस वर्ल्ड कप में 10.7 का रहा है। उनसे लो एवरेजेस सिर्फ 2 बैट्समैन के हैं और वो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि विराट कोहली की कितनी पुअर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ही हैज वन लास्ट चांस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।